নিজে সেটা তৈরি করে নিচ্ছে তা তোমার বিজনেসের জন্য যেন অন্য কারোর বিজনেস হ্যাম্পার না হয় পুরাতন যাদের তাদের হয়তো একটু কম প্রবলেম হবে একটা চ্যালেঞ্জের বিষয় নতুন অ্যাপ স্টোর তৈরি করতে যাচ্ছে স্বাগতম সবাইকে মিচেডিশনে আমরা আজকে চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে গুগল করার জন্য গুগল করার জন্য হ্যাঁ মানে গুগলের একটি হ্যাঁ গুগল তুমি বলতে পারো একটা আফ্রিকান একটা হচ্ছে অ্যাড দেখছিলাম কোথায় কখন একটা টিচার পড়াচ্ছিল জি ও ও এল ই গ্লু গ্লু ইয়েস আমি দেখেছি ভিডিওটি তুমি সেটা বলতে পারো যে আমরা আজকে গ্লু গ্লু করব ওকে আর আজকে যে ভিডিওটি দেখব তার টাইটেল হচ্ছে হাউ গুগলস মনোপলি পাওয়ার ইজ কলোনাইজিং দা ইন্টারনেট ফ্যাক্ট অ্যাবাউট অ্যান্টি ট্রাস্ট কেস এগনেস্ট গুগল অনেক 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 লম্বা টাইটেল আচ্ছা যাই হোক আমার কাছে মনে হয় যে এখানে গুগল হয়তো কলোনাইজ করছে এটাও ঠিক আমার কাছে কিছুটা মনে হয় যে তারা ইউরোপিয়ানদের জন্য এক ধরনের সার্ভিস দেয় আর আমাদের এদিককার মানুষের জন্য কিন্তু আর এক ধরনের সার্ভিস দিচ্ছে তো কিছুটা হলেও তাদের মধ্যে কিন্তু তারতম্য থাকছে আমার কাছে সেটা মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে এটার ডিপলি অনেক বিষয় নিয়ে আসলে আমরা গবেষণা করিনি এই ভিডিওটা দেখলে হয়তো বা এই যে পার্থক্যটা এটা হয়তো কিছুটা হয়তো আমরা আন্দাজ করতে পারবো তো এই ভিডিও থেকে আমরা অনেক কিছু হয়তো জানতে পারবো এইসব ব্যাপারে আর এই ভিডিওটি আমরা নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল স্টাডি আইকিউ থেকে ওনাদের ভিডিওর অরিজিনাল লিঙ্কটি আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে চাইলে আপনারা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো চলুন সবাই মিলে ভিডিওটি দেখে আসি রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান টেক ফার্ম পেটিএম কে ফাউন্ডার বিজয় শেখর শর্মা নে গুগল পে স্টোর কি ফিস কো কস্টলিয়ার দেন বিজনেস ট্যাক্স বতাতে হুয়ে গুগল কি মনোপলিস্টিক অ্যাটিটিউড কো একবার ফির সে চর্চা কা বিষয় বানা দিয়া হ্যায় इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करेंगे इंडिया में गूगल की मोनोपोली की जो इंडियन इकोनॉमी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आज गूगल ने आईसीटी सेक्टर में अपने डोमिनेंस को मोनोपोलिस्टिक बनाने का काम किया है और दुनिया भर में उसके इस बिहेवियर के खिलाफ किस तरह के एक्शंस लिए गए हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में दोस्तों विजय शेखर शर्मा का रिस्पॉन्स टेस्ला के इलॉन मस्क द्वारा शुरू किए गए डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है मस्क ने एप्पल के ऐप स्टोर फीस को क्रिटिसाइज करते हुए उसे एक डी फैक्टो ग्लोबल टैक्स लिवाई करने वाली कंपनी बताया था इलॉन मस्क का ये क्रिटिसिज्म फेमस गेमिंग कंपनी एपिक गेम्स और एप्पल के बीच चल रहे 2020 के लीगल डिस्प्यूट के कॉन्टेक्स्ट में था हम आपको बता दें कि 2020 में एपिक गेम्स ने एप्पल को US में सू किया था क्योंकि एप्पल ने अपने प्ले स्टोर की सर्विसेज के लिए 30% कमीशन चार्ज किया था और साथ में ऐप डेवलपर्स को उनके इन ऐप पेमेंट सिस्टम को यूज़ करने के लिए फोर्स किया था टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स इस लॉसूट ने ही इन रियलिटी एप्पल और गूगल जैसे टेक जॉइंट्स की मोनोपोली को लेकर डिबेट को जन्म दिया था एप्पल के बाद गूगल प्ले स्टोर ने भी जनवरी 2021 में एक सिमिलर पॉलिसी को इंडिया में स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करने की बात कही गूगल प्ले स्टोर की इस न्यू पॉलिसी के तहत ऐप डेवलपर्स के लिए प्ले स्टोर में बिल्ट इन पेमेंट सिस्टम को यूज़ करना कंपलसरी है अगर अपनी सर्विसेज को शेल करना है तो पेटीएम जैसे पेमेंट गेटवेज को यह पॉलिसी इसी वजह से हार्म करती है क्योंकि गूगल अपने पेमेंट सिस्टम की मोनोपोली भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा गूगल की इस पॉलिसी के चलते जो भी टेक कंपनीज अपने ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर में प्लेस करती हैं और अपनी यूजर्स को देती हैं उन्हें ये 30% ह्यूज कमीशन पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद अदर एक्सपेंसेस इस टाइप के ऐप्स में गेमिंग न्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई अमेजन प्राइम एक्सेट्रा और म्यूजिक डेटिंग फिटनेस एडटेक डेटा स्टोरेज एक्सेट्रा आते हैं ये 30% कमीशन का पॉलिसी वैसे तो 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन इसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा था लेकिन रिसेंटली गूगल ने कहा है कि 22 सितंबर 2021 सारे सब्सक्रिप्शन पेमेंट्स अब सिर्फ गूगल के पेमेंट गेटवे के थ्रू होंगे इंडिया में iOS से कहीं ज़्यादा एंड्रॉयड यूजर्स होने के चलते ही गूगल का रोल इंडियन केस में एप्पल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गूगल प्ले स्टोर का इंडिया में मोनोपोली इसलिए है क्योंकि इसका बनाया हुआ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिया के लगभग 95% स्मार्टफोन यूजर्स यूज़ करते हैं
हालांकि गूगल ने क्लैरिफिकेशन देते हुए कहा कि पॉलिसी ज्यादातर ऐप डेवलपर्स को इम्पैक्ट नहीं करेगी, क्योंकि 97% डेवलपर्स गूगल के बिलिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं। लेकिन पेटीएम के सीईओ ने कहा कि गूगल की ये पॉलिसी इंडिया के कई स्टार्टअप्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी और की एंट्री बैरियर की तरह काम कर सकती है, क्योंकि गूगल का प्लान उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमीशन के रूप में वसूलने का है। शर्मा ने गूगल के 30% कमीशन को गूगल टैक्स बोला है और ये सवाल उठाया है कि कैसे कोई कंपनी गवर्नमेंट को बाईपास करते हुए एक टैक्स चार्ज कर सकती है। मिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2020 में ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंडिया के 17 स्टार्टअप फाउंडर से गूगल पर लग रहे मोनोपोली के एक्विजिशंस पर व्यू पॉइंट्स मांगे थे। हम आपको बता दें कि CCI इंडिया का एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर है, यानी कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो मार्केट में फ्री एंड फेयर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को इंश्योर करने का काम करती है। ये बॉडी द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत ये इंश्योर करती है कि बड़े कॉरपोरेशंस मार्केट में प्रेडेटरी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर बाकी की कंपनीज को हार्म ना करें। खैर, CCI ने पेटीएम, जोमैटो, फोनपे, अपग्रेड, ड्रीम इलेवन, जियोक्यू सेकेंड, रेजर पे और matrimony.com जैसे स्टार्टअप्स को ये लेटर लिखा था। इनमें से कुछ स्टार्टअप्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उस डिस्कशन पैनल में भी इन्वॉल्व थे जो गूगल की इस 30% इन ऐप कमीशन वाली पॉलिसी से रिलेटेड हुआ था। स्टार्टअप्स की लार्जर डिमांड ये है कि गूगल पे स्टोर पर इन स्टार्टअप्स के कंज्यूमर्स को बिलिंग रिलेटेड चॉइस मिले और साथ में गूगल खुद भी इस 30% चार्ज को रिड्यूस करे। 230% कमीशन और बाकी के एक्विजिशंस के अलावा भी गूगल ने ऑलरेडी कई एरियाज में अपना डोमिनेंस मेंटेन किया है और इसलिए उस पर कई बार मोनोपोली चलाने के आरोप लगते रहे हैं। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि गूगल की मोनोपोली ओवरऑल ICT बेस्ड मार्केट में किस तरह से क्रिएट हुई है। क्या ये सिर्फ गूगल के ब्रिलियंट इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट का कमाल है या फिर कुछ प्रॉब्लमेटिक स्ट्रेटजीज के थ्रू हुआ है, आइए देखते हैं। दोस्तों, 2020 में US के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के अगेंस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट लॉ सूट फाइल किया था और ये एक्यूज किया कि गूगल का सर्च मार्केट में डोमिनेंस इलीगल है। कंप्लेन के हिसाब से गूगल बाकी की कंपनीज के साथ कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है जिसके आउटकम्स मोनोपोलाइजिंग नेचर के हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि गूगल ने एप्पल को $12 बिलियन हर साल पे किए थे ताकि गूगल एप्पल के सफारी ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन बने। ये एक एग्जाम्पल है टेक जायंट्स के नेक्सस का, जो आपस में डील साइन कर या तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव एरिया में मोनोपोली को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर ऑलिगोपॉलीज क्रिएट करते हैं बाकी के न्यू प्लेयर्स की एंट्री को रोकने के लिए। DOJ के हिसाब से गूगल आज सर्च मार्केट में 80% शेयर इसलिए ओन करता है क्योंकि वो सालों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए आया है, नॉट जस्ट विद एप्पल बट अदर स्मार्टफोन कंपनीज एज वेल। इसके अलावा एक और केस में 38 US स्टेट्स लेड बाई कोलोराडो एंड नेब्रास्का ने भी कुछ ऐसे ही आरोप गूगल पर लगाए थे। इस केस के मुताबिक गूगल ने वॉइस असिस्टेंट्स और इंटरनेट कनेक्टेड कार्स में भी ऐसे ही स्ट्रेटजीज को यूज़ किया है ताकि उसकी सर्विसेज डिफ़ॉल्ट तरीके से टेक प्रोडक्ट्स जैसे TV या फिर स्मार्टफोन्स में अवेलेबल रहें। इसके अलावा टेक्सास ने भी गूगल के खिलाफ एक लॉ सूट में गूगल को एडवर्टाइजिंग मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए एक्यूज़ किया था। ये क्लेम किया गया कि गूगल ने अपने एडवर्टाइजिंग राइवल फेसबुक के साथ एक इलीगल एग्रीमेंट साइन किया है टू रिग एड ऑक्शंस। डील के हिसाब से फेसबुक ऑक्शंस के समय अपने मूव्स को रिस्ट्रिक्ट करेगा ताकि गूगल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सके। गूगल आज दुनिया की 1/3 एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है और उस पर मोनोपोली को अब्यूज करते हुए पब्लिशर्स को ओवरचार्ज करने के आरोप भी लगते रहे हैं। US स्टेट्स गूगल द्वारा किए गए स्ट्रक्चरल डैमेजेस के लिए कॉम्पनसेशन की डिमांड कर रहे हैं। इन सब के अलावा आज गूगल के डोमिनेंस और माउंटिंग मोनोपोली का सबसे बड़ा कारण है उसके पास्ट मर्जर्स और एक्विजिशंस। 1998 के बाद से गूगल ने 100 से ज़्यादा कंपनीज को एक्वायर करने का काम किया है। इनमें सबसे पहला है 2007 में गूगल द्वारा डिजिटल एड वेंडर डबल क्लिक का एक्विजिशन फॉर $3.1 बिलियन। डबल क्लिक का एड सर्विंग टेक्नोलॉजी और उसके कनेक्शंस विद थाउजेंड ऑफ डिजिटल पब्लिशर्स ने गूगल को एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प किया है। इसके बाद से गूगल ने कई और एड वेंडर्स जैसे एडमॉब, इनवाइट मीडिया, एडमेल्ड, अप्लाइड सेमांटिक्स और स्प्रिंग्स को भी एक्वायर किया है। 2010 में गूगल ने ITS सॉफ्टवेयर को $700 मिलियन में एक्वायर कर अपने सर्च बिजनेस को फर्दर एक्सपैंड किया। ITS सॉफ्टवेयर के एक्विजिशन ने उसके राइवल्स को भी नुकसान पहुंचाया क्योंकि वो IDA पर रिलाई कर रहे थे। 2013 में भी ऐसे ही एक एक्विजिशन के थ्रू
गूगल ने वेज मैप्स को एक्वायर कर मैप सेक्टर में भी अपने डोमिनेंस को एक्सपैंड किया और अपने राइवल को न्यूट्रलाइज कर दिया। इस एक्विजिशन का सबसे बड़ा फायदा था वेज के यूजर्स का लोकेशन डेटा, जिसे यूज कर गूगल ने अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को भी बूस्ट किया थ्रू बेटर टारगेटिंग ऑफ एड्स। इसके बाद से धीरे धीरे ऑलमोस्ट हर स्मार्टफोन में गूगल मैप्स प्रीलोडेड एप्पल तरह दिखने लगा और गूगल मैप्स की मोनोपोली आज काफ़ी क्लियरली विजिबल है, एटलीस्ट इन एंड्रॉयड फोन्स। इन सब में सबसे बड़ा एक्विजिशन था 2005 में एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड का परचेज गूगल डोमिनेंस का सबसे बड़ा कारण है, जो उसके ओवरऑल ICT डोमिनेंस को इंश्योर करता है। आज मोबाइल डिवाइसेस 60% से ज़्यादा सर्च ट्रैफिक के सोर्सेज हैं और एंड्रॉयड एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में 95% लोग यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड ने ही कहीं ना कहीं गूगल को स्मार्टफोन्स के साथ एक्सक्लूसिव डील्स कट आउट करने में हेल्प किया है, जिसके तहत आज उसके सर्च इंजन, मैप्स एक्सेट्रा डिफॉल्ट ऐप्स की तरह फोन्स में मिलते हैं। US प्रोसिक्यूटर्स ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि कई केसेस में तो कंज्यूमर्स के लिए अपना डिफॉल्ट सर्च इंजन चेंज करना भी एक कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है, जिसके चलते गूगल सर्च की मोनोपोली स्टैंड्स अनचैलेंज्ड। इस कॉन्टेक्स्ट में चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे गूगल की मोनोपोली इंडियन इकोनॉमी के लिए डेंजरस है। दोस्तों, सबसे पहला और इमीडिएट थ्रेट आता है 30% कमीशन वाले मुद्दे से, जो हमें डिजिटल कॉलोनाइजेशन जैसे आइडियाज पर डिबेट करने में मजबूर कर देता है। नॉर्मली बाकी के पेमेंट गेटवेज 0.5 से 3% ही चार्ज करते हैं और गूगल द्वारा 30% चार्ज करना आउटराइटली प्रॉब्लमैटिक लगता है। ये दिखाता है कि गूगल कैसे अपने एंड्रॉयड OS की मोनोपोली और डोमिनेंस का मिसयूज़ कर रहा है। इसके अलावा इंडियन स्टार्टअप्स इस बात को लेकर कंसर्न है कि 30% कमीशन काफ़ी ज़्यादा है, जो उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट को हैवली इम्पैक्ट करेगा। ये स्पेशली तब खतरनाक है जब इंडिया का सब्सक्रिप्शन बेस्ड मार्केट भी काफ़ी छोटा और लिमिटेड है, अनलाइक US। इंक्रीज कमीशन और लैक ऑफ चॉइस इन बिलिंग सिस्टम्स इन स्टार्टअप के लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन को इंक्रीज कर देगा। इसके चलते ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बिजनेस तो शायद इस इंक्रीज कॉस्ट को झेल ले, लेकिन स्मॉलर बिजनेसेस के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। ये इंडियन इनोवेशन को भी हैम्पर करेगा, जो ऑलरेडी सीरियस चैलेंजेस फेस कर रहा है। इसके अलावा एक्सक्लूसिव गूगल पेमेंट सिस्टम की पॉलिसी कई थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे रेजर पे और पेयू को भी नुकसान पहुंचाएगा। कंज्यूमर्स एंड यूजर की बात करें, यानी कि हमारी, तो ये पॉलिसी हमें भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ऐप डेवलपर्स और स्टार्टअप्स 30% कमीशन यूजर पर भी शिफ्ट कर सकते हैं टू रिड्यूस देयर बर्डन। आज इंडियन गवर्नमेंट जब डिजिटलाइजेशन के थ्रू गवर्नेंस रिफॉर्म्स की तरफ जोर दे रहा है, तब ये पॉलिसी इंडिया की लार्ज पुअर पॉपुलेशन के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जो एक्सक्लूसिवली स्टेट पर कई सारी सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है। आने वाले टाइम में एक कास्ट सर्टिफाइड जैसे गवर्नमेंट प्रोडक्ट का प्राइस भी गूगल की ऐसी पॉलिसीज से बढ़ सकता है। इवन अगर गवर्नमेंट ये चार्ज पे करने का डिसीजन लेती है, तो बर्डन कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडियन टैक्सपेयर्स पर आएगा। इसके अलावा एक और मेजर इशू है जो गूगल जैसे टेक जायंट्स के मोनोपोली के चलते आज चर्चा का विषय है, ये है पॉलिटिकल सोवरनिटी और रूल ऑफ लॉ का। ये मुद्दा तब उठा जब गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया था। कई एक्सपर्ट्स ने गूगल को खुद का जुडिशियल सिस्टम चलाने के लिए भी ब्लेम किया, जहां गूगल खुद डिसाइड करता है कि कौन से ऐप्स को पनिश करना है फॉर एलेज्ड वायलेशन ऑफ लॉ। वायलेशन ऑफ लॉ कोर्ट ऑफ लॉ में डिसाइड होना चाहिए, ना कि कंपनीज के ऑफिस में। टेक जायंट्स के मोनोपोलीज का अगला चैलेंज है इंडिया के लगभग 500 से 600 मिलियन कंज्यूमर्स के डेटा पर मोनोपोली, जिसका इस्तेमाल गूगल जैसी कंपनीज अपने एक्सक्लूसिव बेनिफिट के लिए कर सकती है बाई क्रिएटिंग बैरियर्स टू एंट्री फॉर न्यू स्टार्टअप्स। हम जानते हैं कि इंटरनेट कंज्यूमर का ऑनलाइन फुटप्रिंट और इन्फॉर्मेशन आज कंपनीज तरह तरह से यूज़ कर अपने रेवेन्यूज को टारगेटेड एड्स के थ्रू मोनेटाइज कर रही हैं। कंज्यूमर्स का कलेक्टेड डेटा इमर्जिंग बिजनेस आइडियाज, मार्केट और प्रोडक्ट्स के लिए भी काफ़ी क्रूशल है, और अगर सिर्फ एक कंपनी के पास ऐसे डेटा की मोनोपोली हुई, तो बाकी बिजनेसेस नए एरियाज में एंटर ही नहीं कर सकते। डेटा मोनोपोली द्वारा क्रिएटेड बैरियर टू एंट्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल सर्च इंजन बेस्ड मार्केट खुद है, जिसमें गूगल डोमिनेंट प्लेयर है। 1996 में गूगल ने इस मार्केट को रिवोल्यूशनाइज किया, जब उसने सर्च इंजन एल्गोरिदम को इंट्रोड्यूस किया, जिसे पेज रैंक एल्गोरिदम कहा जाता है। सर्च इंजन एल्गोरिदम्स में तब से लेकर आज तक काफ़ी इनोवेशंस हुए। कई कंपनीज ने AI बेस्ड एल्गोरिदम्स भी इंट्रोड्यूस किया है, लेकिन इसके बावजूद गूगल आज इस मार्केट को डोमिनेट करता है। इसका सबसे बड़ा कारण है हिस्टोरिकल सर्च क्वेरी लॉक्स, जो सर्च इंजन की एफिकेसी को 30% से ज़्यादा तक इम्प्रूव कर सकते हैं।
गूगल के पास इस हिस्टोरिकल सर्च क्वेरी लॉक्स या डेटा का बेनिफिट है, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जाइंट्स भी उसके साथ इस मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाए। ऐसे में न्यू प्लेयर्स इस मार्केट में एंट्री करने की ख्वाहिश भी नहीं कर सकते। दोस्तों, ये चैलेंज आज सिर्फ डिजिटल स्पेस तक सीमित नहीं है, गिवन द नेचर ऑफ टुडेज इकोनॉमी, जहां आज ऑलमोस्ट हर सेक्टर आईसीटी द्वारा कनेक्टेड है, वहां बिना प्रॉपर रेगुलेशन के डेटा मोनोपोली बाकी सेक्टर्स में भी कंपटीशन को हैम्पर कर सकती है। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डेटा बेस्ड बैरियर्स टू एंट्री एग्रीकल्चर से लेकर अकेडमिक्स, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, बैंकिंग एक्सेट्रा को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। मोनोपोली का नेक्स्ट डेंजर लार्ज कॉरपोरेशंस के नेक्सस से भी इमर्ज होता है, जैसा कि हमने पहले देखा कि कैसे गूगल ने फेसबुक, एप्पल एक्सेट्रा के साथ एक्सक्लूसिव डील साइन कर यूएस ने अपने डोमिनेंस को बरकरार रखा है, वैसे ही ये इंडिया में भी हो सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट को अवेयर रहना होगा। इसको लेकर कंसर्न्स रिसेंटली इंडिया में भी उठे थे, जब रिलायंस जियो ने फेसबुक और गूगल द्वारा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स रिसीव किए। ये डील जियो को लगभग 500 टू 600 मिलियन यूजर्स के डेटा को एक्सेस दे सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि फिलहाल सीसीआई ने इस मर्जर को अप्रूव किया है, ये कहते हुए कि फेस वैल्यू में दोनों पार्टीज के बीच कोई यूजर इन्फो का एक्विजिशन नहीं होगा और कोई भी डेटा स्वैपिंग लिमिटेड और प्रोपोर्शनेट होगी टू फैसिलिएट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। लेकिन फिर भी सीसीआई ने एक पॉसिबल अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को नोट किया है और कहा है कि जियो और फेसबुक ग्रुप द्वारा प्रोसेस डेटा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर का है और अगर कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव कंडक्ट होता है तो कमीशन सेक्शंस 3 और 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत एक्शन ले सकता है। अगला इंपॉर्टेंट थ्रेट स्टेट सिक्योरिटी और ऑटोनॉमी रिलेटेड भी है। गूगल जैसी कंपनीज इंडिया में अपने पेमेंट सिस्टम्स और मैप सर्विसेज के थ्रू इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हैं, तो ऐसे में एक पॉसिबल टसल, कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनेशनल डिस्ट्रप्शन के टाइम ये पॉसिबल है कि इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स इम्पैक्ट हो जाएं। फॉर एग्जाम्पल, यूएस अगर अपने पैट्रियट एक्ट के तहत यूएस की कंपनीज को अपने सर्विसेज को इंडिया में बंद करने के ऑर्डर्स दे देता है तो इंडिया की सप्लाई चेन्स ना सिर्फ इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो सकते हैं बल्कि वो स्ट्रैटेजिक और डिफेंस सेक्टर्स को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। एक मैप सर्विस बंद होने मात्र से पूरा का पूरा कैब मार्केट डिस्टर्ब हो सकता है, कॉजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लाख्स ऑफ पीपल। दोस्तों, पूरे टसल का एक आउटकम ये रहा है कि पेटीएम अब खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च करने वाला है टू कम्पीट विद गूगल्स प्ले स्टोर। पेटीएम के सीईओ ने कहा कि नया ऐप यंग इंडिया एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करेगा और उनके खुद के प्रेफर्ड पेमेंट ऑप्शंस को यूज करने की च्वाइस देगा। उन्होंने ये भी कहा कि 300 से ज़्यादा फर्म्स इंक्लूडिंग ओला, फ्रेश मेन्यू और नेटमेंट्स ने ऑलरेडी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा पेटीएम कुछ और इंडियन टेक कंपनीज के साथ मिलकर एक सेट ऑफ रिकमेंडेशंस को ड्राफ्ट कर रहा है जिसे वो इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखने वाला है। इंडिया में गूगल ऑलरेडी एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन भी फेस कर रहा है ओवर इट्स पेमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑन एंड्रॉइड। ये प्रोब यूरोपियन यूनियन के गूगल पर प्रोब्स के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसमें गूगल पर ईयू ने 2018 में $5 बिलियन का फाइन लगाया था फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। खैर, इन टोटैलिटी देखें तो अब समय आ गया है कि हम गूगल जैसे टेक जॉइंट्स के मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर को मल्टीपल तरीके से काउंटर करने की कोशिश करें। इनमें एक तरीका है टू बिल्ड अल्टरनेटिव्स एंड अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स विद गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट का खुद का ऐप स्टोर लॉन्च करने का आइडिया भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटेड है, जो इंडिया को स्ट्रैटेजिक लेवरेज प्रोवाइड कर सकता है और उसे आत्मनिर्भर होने में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एक्ट के स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट और इसमें पॉसिबल रिफॉर्म्स पर भी ध्यान दे सकती है, वैसे ही जैसे यूएस में एंटी ट्रस्ट लॉज में स्वीपिंग चेंजेस पर चर्चा हो रही है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गूगल की मोनोपोली की। अगर आपको लगता है कि वीडियो में बताए गए सेक्टर्स के अलावा किसी और सेक्टर में भी गूगल अपनी मोनोपोली चला रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियोटा থেকে গুগলের মনোপলি বিজনেসের অনেক গোপন জিনিস জানতে পারলাম যেগুলো আসলে জানা ছিল না। গুগল আমাদের কাছ থেকে অনেক ডাটা নিচ্ছে, কেননা গুগল একটা টেক জায়ান্ট কোম্পানি। আমরা যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি সেখান থেকে ডাটা নিয়ে এসে আমাদের ডাটা নিয়ে আমাদের সঙ্গে বিজনেস করছে, এটা হচ্ছে একটা বিষয়। হ্যাঁ, এটা সহজেই বোঝা যায়। যখন তুমি কোনো কিছু একটা জিনিস দেখলা তখন ওই রিলেটেড অনেকগুলো জিনিস কিন্তু তোমার সামনে চলে আসে। কোনো কোনো অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলা বা কোনো ভিডিও দেখলা, ওই রিলেটেড যত ভিডিও আছে দেখা যায় যে ওগুলো আসতে থাকে। তখন মানে তারা একটা মার্কেটিং পলিসি করে ফেলেছে এরকম।
এবং গুগল যেটা করছে যে যে ধরনের প্রোডাক্টই তোমার দরকার পড়ে না কেন, এটা থার্ড পার্টির কাছে আছে, কিন্তু সে যেটা করছে যে সে নিজে সেটা তৈরি করে নিচ্ছে, তার নিজের মার্কেটের মধ্যে সেই ধরনের অ্যাপ ডেভেলপ করে নিচ্ছে। তো ইন্ডিয়াতে একটা সংস্থা আছে যেটা হচ্ছে সিসিআই, হ্যাঁ, এই সংস্থাটি যে জিনিসটা ফলো করে সেটা হচ্ছে তুমি বিজনেস করো, সমস্যা নেই, কিন্তু তোমার বিজনেসের জন্য যেন অন্য কারোর বিজনেস হ্যাম্পার না হয়। তো তারা এই বিষয়টি টেক কেয়ার করছে যে গুগল যে মনোপলি বিজনেসটা করতে যাচ্ছে ইন্ডিয়া, এর কারণে অন্য অন্য স্টার্ট আপ কোম্পানিকে বা অন্য অন্য কোম্পানির কোনো ধরনের প্রবলেম হচ্ছে কি না। যেমন হচ্ছে এখানে পেটিএম নিয়ে কথা হলো, পেটিএম হচ্ছে আমাদের দেশের বিকাশের মতো। তো গুগলের অ্যাপ স্টোরে, মানে প্লে স্টোরে, এবং অ্যাপেলের ক্ষেত্রে অ্যাপ স্টোর হয়, প্লে স্টোরে যারা অ্যাপ তৈরি করে ওখানে আপ করে তারা একটা পেমেন্ট পায়, সেই পেমেন্টটা পেটিএমের মাধ্যমে উইথড্র করা যেত আগে। গুগল তার প্লে স্টোর থেকে সেই অ্যাপসটাকে সরিয়ে দিয়েছে, এবং এখন যারা অ্যাপ তৈরি করে আর্ন করছে গুগল প্লে স্টোর থেকে, তাদেরকে গুগল পের মাধ্যমে টাকাটা নিতে হচ্ছে, এবং গুগল সেখানে 30% একটা এক্সট্রা রেভিনিউ রেখে দিচ্ছে। তো এটাই তো সবচেয়ে মুশকিল, যারা নতুন না কোনো কিছু তৈরি করবে তাদের জন্য, তারা কিন্তু ব্যবসাটা তখন করতেই পারবে না টোটালি। পুরাতন যাদের তাদের হয়তো একটু কম প্রবলেম হবে, কিন্তু যারা নতুন করে কোনো কিছু শুরু করতে চায় তাদের জন্য কিন্তু এটা বড় একটা চ্যালেঞ্জের বিষয়। এবং গুগল ফেসবুক এবং অ্যাপেলের সঙ্গে কিন্তু একটা গোপন চুক্তি করেছে, ইভেন কি গুগল অ্যাপেলকে $12 বিলিয়ন করে টাকা দিত, যাতে করে গুগলের যে সার্চ ইঞ্জিন আছে সেটা যেন অ্যাপেলের সাফারিতে বাই ডিফল্ট থেকে, জানা ছিল না, আমি এখন বুঝতে পারলাম যে আসলে অ্যাপেলে কেন সাফারি এর জায়গায় যখন আমরা কোনো সার্চ ইঞ্জিন খুঁজি তখন সেটা বাই ডিফল্ট গুগল সার্চ ইঞ্জিনে চলে যায়। তো আসলে তারা অনেক কিছুই করে, মনোপলি ব্যবসা করছে। তো সেখানে আমার মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া চাচ্ছে যে তাদের নতুন কোনো একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হোক, সার্চ ইঞ্জিন প্ল্যাটফর্ম, তো সেটার জন্য তারা কাজ করছে, তারা নতুন অ্যাপ স্টোরও তৈরি করতে যাচ্ছে ইন্ডিয়াতে আলাদাভাবে। এবং গুগল কিন্তু পৃথিবীর বলা চলে হচ্ছে 1/3 যে টিভিসি, মানে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা বলে আর কি, সেটা তারা দখল করে রেখেছে। এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক পরিমাণ টাকা তাদের হাতে চলে যাচ্ছে, যেটা আসলে অন্য অন্য সবাই মিলে যদি বিজনেস করতে পারতো তাহলে হয়তো বা অনেক মানুষ উপকৃত হতে পারতো এখান থেকে, এবং অনেকের কর্মসংস্থানও ওই জায়গাটায় হয়ে যেত। যাই হোক, আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম আজকে এই ভিডিও থেকে। আর গুগল যেহেতু একটা টেক জায়ান্ট কোম্পানি, আর এরকম আরও অন্য অন্য টেক জায়ান্ট কোম্পানি আছে গুগল, তাদের সঙ্গেও তারাও কিন্তু আসলে গুগলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে পেরে উঠতে পারছে না, কেননা গুগল হচ্ছে তার সকল সার্ভিসগুলো ছোটো ছোটো যে সমস্ত কোম্পানি আছে তাদেরকে কিনে নেয়। যেমন হচ্ছে গুগল ম্যাপ আমরা যেটা ইউজ করি সেটা কিন্তু গুগল ওয়াজা ম্যাপ নামক একটা কোম্পানি ছিল, তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। এখন আমরা যাই করি না কেন সব কিছুই কিন্তু গুগল ম্যাপ থেকে গুগল আমাদেরকে ফলো করছে, আমরা কোথায় যাচ্ছি, কোথায় খাচ্ছি, এবং অন্য অন্য কোম্পানিগুলো আমাদেরকে ফলো করে ঠিক সেইভাবে কিন্তু অ্যাড দিচ্ছে, সেটা গুগলের মাধ্যমে। তো গুগলের বিজনেসটা আসলে মনোপলি হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, ওভারঅল ভিডিও থেকে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারলাম। আর আজকে আমাদের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করুন, কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা আমাদের সঙ্গে বসে আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।